देश भर के जल स्रोत प्रदूषण की मार से जूझ रहे हैं। पश्चिम, पूर्वी और उत्तर भारत की तुलना में दक्षिण के राज्यों में जल स्रोतों की स्थिति बेहद दयनीय है। जीवन के लिए जल की महत्ता किसी से छिपी नहीं है, लेकिन देश में यही जल और जल स्रोत प्रदूषण की भेंट चढ़ते जा रहे हैं। देश में 86 जल स्रोत ऐसे हैं जो सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट और इंडस्ट्रियल एफ्लुएंट प्लांट से भी अधिक दूषित हो चुके हैं। पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की रिपोर्ट के अनुसार देश में 17% जल स्रोत गंभीर रूप से प्रदूषित हो चुके हैं। इन जल स्रोतों में 38 नदियां, 27 झीलें, 3 तालाब और 18 टैंक शामिल हैं। जल स्रोतों के प्रदूषित होने की बड़ी वजह सीवेज है, जो बिना उपचार के नदियों और जल स्रोतों में डाला जा रहा है। दरअसल शहरों में बने सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट में इतनी क्षमता ही नहीं है कि संपूर्ण सीवेज को ट्रीट कर सके। सीवेज का महज 38% हिस्सा ही ट्रीट हो पाता है। दूसरे शब्दों में कहें तो 62% सीवेज बिना ट्रीट किए नदियों और जल स्रोतों में बहा दिया जाता है। कई नदियों में प्रदूषण की स्थिति इतनी खराब है कि उसका पानी इस्तेमाल करने लायक नहीं रह गया है। इसमें सबसे पवित्र समझे जाने वाली गंगा भी शामिल है। नदियों में भारी धातुओं की मात्रा स्वीकार्य स्तर से कई गुना अधिक है। केंद्रीय जल आयोग के हालिया अध्ययन में नदियों के पास 414 स्टेशन से पानी के नमूने लिए गए। इन नमूनों के परीक्षण के बाद पाया गया कि 168 स्थानों का पानी पीने योग्य नहीं है, क्योंकि इसमें आयरन की मात्रा बहुत ज़्यादा थी। पानी पर काम करने वाले अंतर्राष्ट्रीय संगठन वाटर एड के अनुसार भारत उन देशों में पहले पायदान पर है जहां पीने के पानी की व्यवस्था सबसे कम है। भारत में करीब 4,74,00,000 आबादी साफ पानी से वंचित है। ऐसे हालात में नदियों और जल स्रोतों के प्रदूषित होने से उन लोगों पर असर पड़ेगा जो पीने और घर में इस्तेमाल होने वाले पानी के लिए इन नदियों और जल स्रोतों पर निर्भर हैं। अब तक के सरकारी प्रयासों से लगता नहीं कि इस प्रदूषण से निपटने के उचित उपाय किए जा रहे हैं।